क्या आप लोग भी हेयर फॉल से परेशान हैं? क्या आप लोगों के बालों में भी काफी ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है? क्या आपके बाल भी काफी ज्यादा ऑयली हैं? क्या आप लोगों को अपने बाल सॉफ्ट शाइनी बनाने हैं? तो आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन DIY नुस्खा बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो गाइज, इस हेयर पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ली हुई है, और ये ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी है, यानी कि ये पाउडर नहीं है। ये मार्केट से मैंने लिया हुआ है, और पहले बोलते थे ना कि मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में उतना उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना उसके पत्थर में होता है, तो मैंने ये पत्थर मुल्तानी मिट्टी के लिए हुए थे। सो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा भिगा दूंगी, ज़्यादा नहीं लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं, एक थोड़ा बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा लिया हुआ है, और इसको मैं भिगा के रख दूंगी, और कुछ देर के लिए मैं इसे ऐसे ही भिगा के रख दूंगी जब तक ये पत्थर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं, मैंने कल बताया था ना आपको कि मैंने मुल्तानी मिट्टी का मतलब जो पत्थर होता है वो वाला टुकड़ा, मतलब पाउडर मैंने इसके भिगाया नहीं था, इसका पत्थर जो था वो मैंने भिगाया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इसे टाइम लग गया मेल्ट होने में, तो मुझे लगा कि मैंने सोचा कल ही मैं इसको लगा दूंगी, बट मैंने कल से इसको भिगाया है, और आज जो टाइम है अभी वो है 10 सुबह की। तो अब मैं इसे लगाने जा रही हूँ, और अब जाके आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें कितना पानी डाला था, आप लोगों ने खुद देखा होगा, और अभी देखो सारा पानी इसने सोख लिया है, और अब जाके ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, सकते हैं आप लोग, पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्पून के हेल्प से नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग ही लूंगी कि मुझे कितना लेना है। थोड़ा मुझे एलोवेरा जेल जो है वो ज्यादा डालना है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी लगभग 1 टेबल स्पून से भी ज्यादा, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच तो मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूंगी, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारी बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हमारे बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है। तो देख सकते हैं आप लोग गाइस, 1 से 1.5 चम्मच के अकॉर्डिंग मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है। और अब मैं जो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ वो है नींबू। ये देखिए, मैंने एक नींबू पूरा काट लिया है, अभी आधा टुकड़ा है, मुझे एक पूरा नींबू इसमें डालना है, तो मैंने कट करके रखे हुए हैं, तो मैं कट करके इनको डालूंगी। तो देखिए आप लोग, इसमें हमने नींबू का जो रस है वो निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो नींबू के बीज होते हैं ना वो नहीं जाने चाहिए। तो वैसे तो मैंने निकाल दिया था, बट फिर भी एक बीज इसमें रह गया है, उसमें निकालूंगी मैं अच्छे से। एक तो मैंने डाल दिया है, अभी दूसरा टुकड़ा है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अच्छे से। तो ये देख सकते हैं, मैंने नींबू का रस भी ऐड कर लिया, एक नींबू मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया हुआ है, और देख सकते हैं आप लोग कितना मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड की थी। अब मुझे इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं इन तीनों चीज़ों को ऐसे मिक्स नहीं कर पाऊंगी, मेरे को पहले अपना फ़ोन ट्राईपॉड पर लगाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि खुद ही शूट कर रही हूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी मुझे, इसलिए पहले मैं फ़ोन ट्राईपॉड पर लगाती हूँ, फिर इसको मिलाती हूँ। ओके तो गाइज, मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर लिया है। गाइज, मे भी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस मतलब बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रही होगी, वो इसीलिए गाइज मैंने AC चलाया हुआ है, अगर मैं AC ना चलाऊं तो मेरी बहुत हालत खराब हो रही है, मैं बैठ के वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइज, आप लोग, इसमें मैंने नींबू का रस, एलोवेरा जेल और जो मेरा मुल्तानी मिट्टी है इसको मिला लिया है, और अब मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो गाइज देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये पेस्ट है बिल्कुल बन चुका है, यानी कि हमारा जो हेयर मास्क है ये बन चुका है।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ, ये हमें पहले अपने बालों पे कैसे लगाना है। तो इसको हमें अपने बालों के टिप्स पे नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी। मुझे ज्यादा ये अपने स्कैल्प पे लगाना है, स्कैल्प पे इसे लगाना है क्योंकि मेरे बालों में, मतलब मेरे जो माथा ये है ना सिर, तो यहाँ मेरे दाने होने लगे छोटे छोटे, क्योंकि डैंड्रफ मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, डैंड्रफ की मेरे को हेयर फॉल की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मेरे सिर में दाने, मतलब मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, मेरे सिर में दाने होने शुरू हो गए। तो दाने होने शुरू हो गए तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी, पूरा सिर मेरा जलने सा लग गया, मतलब ऐसा बाल भी बना रही थी या बाल बांध भी रख रही थी, बांध के भी रख रही थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से मुझे ये मास्क लगाना पड़ रहा है, और इस मास्क के बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। अगर आप लोगों के बाल ऑयली हो जाते हैं, या फिर आप लोगों को हेयर फॉल की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल सॉफ्ट शाइनी हो, मुलायम रहे, या फिर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, या फिर आपको मेरी जैसी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो ये हेयर मास्क आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और मैं आप लोगों को ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 99% ये हेयर मास्क वर्क करता है, और आप लोगों को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट ये देता है। तो चलिए अभी कुछ इसके बेनिफिट जान लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी के हमारे बालों पे क्या बेनिफिट होते हैं। तो जब तक मैं इसे लगाती हूँ अपने स्कैल्प पे, तब तक आप लोग बेनिफिट भी इसके सुन लीजिए। तो चलो अब मैं इसे लगाना शुरू करती हूँ। तो लगाने से पहले गाइस, मैंने यहाँ पे एक, ये देख सकते हैं आप लोग, टावल लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो मे बी मेरी जो पीछे का ये वॉल है वो इससे खराब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको रखूंगी और अपने बालों को दो पोर्शन करूंगी, और बीच स्कैल्प, अपने स्कैल्प पे इसे लगाती जाऊंगी। तो ठीक है, आप लोग देखिए अब मैं लगा। तो कुछ इस तरीके से इस कपड़े को मैं अपने ड्रेस के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि जरूरी है रखना। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी मांग निकालूंगी। तो चलो अब इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी, मतलब यहाँ पे कोई ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ, अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसे लगाऊंगी। तो देखिए ये लिया हुआ है मैंने, तो मुझे इसे अपनी स्कैल्प पे लगाना है, तो मैं ऐसे लगा के लगाती हूँ इसको, मतलब लास्ट जो पोर्शन है ना वहां से स्टार्ट करते करते मैं इसको अपने बालों पे लगाऊंगी। ऐसे ऐसे पकड़ते पकड़ते मैं अपनी पूरी स्कैल्प पे लगाती रहूंगी, पार्टीशन करती जाऊंगी, और पार्टीशन करके ही मुझे ये लगाना है गाइस। तो गाइज अब हम बात करते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस पैक को बनाने के लिए यूज किए हैं। तो सबसे पहले मैं मुल्तानी मिट्टी की बात करती हूँ। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है, मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, और जितनी ये हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है उतनी ये हमारे बालों के लिए भी अच्छी होती है। ये हमारे बालों को कई तरह की प्रॉब्लम से बचाता है। अगर आप लोगों के बाल रूखे सूखे हैं तो ये आपके बालों को ठीक करता है, साथ ही साथ जिन लोगों को दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को भी ये खत्म करता है, और जिन लोगों के स्कैल्प पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, यानी कि डैंड्रफ और हेयर फॉल की जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों के बालों पे ऑयल आ जाता है, यानी कि तेलीय जिनके बाल हैं, ऑयली बाल जिनके हैं, उन लोगों के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। गाइज इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, हर स्किन टाइप वाले इसे लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है हमारे बालों के लिए, ये हमारे बालों की ग्रोथ को काफी अच्छे से बढ़ा देता है, हमारे बालों को सॉफ्ट शाइनी मजबूत करता है। तो वहीं अगर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, यानी कि एलोवेरा की बात करूं, तो एलोवेरा भी हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही साथ ये हमारे सिर से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म करती है, हमारे बालों में नमी को बरकरार रखती है, नए बालों की ग्रोथ के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को हमेशा अपने बालों की जड़ों में या फिर अपने स्कैल्प पे बालों में खुजली होती है उसे भी ये कम करता है, और जिन लोगों के बालों में बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होती है, आप लोगों को पता है आजकल समर है तो काफी सारे लोगों को मतलब बालों में गीलापन महसूस होता है, चिपचिपाहट सी महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए भी एलोवेरा काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा
कि हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, चाहे हमें हमारे स्वास्थ्य से रिलेटिव हो, चाहे हमारी स्किन से रिलेटिव हो या फिर हमारे हेयर से रिलेटिव हो। एलोवेरा भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें काफी सारे प्रॉब्लम से बचाता है। हम लोग ये मान के चले कि एलोवेरा हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, चाहे स्किन से हो, बालों से हो, स्वास्थ्य से हो, सब चीजों में एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग चाहें तो एलोवेरा को किसी भी हेयर मास्क में ऐड कर सकते हैं, हेयर पैक में ऐड कर सकते हैं, जो भी आप DIY हेयर पैक बनाते हैं। एलोवेरा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है हमारी बालों को की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हमारे बालों को मजबूत करने के और हमारी बालों में एक अच्छी सी शाइनिंग लाने के लिए। वहीं तीसरे इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ गाइस नींबू की, तो नींबू का रस हमारे बालों की समस्याओं में होने वाली हर प्रॉब्लम को दूर करता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ा देता है, हमारे बालों को बहुत सुंदर करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को भी ये काफी हद तक रोक देती है। नींबू के रस में भारी मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं और हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं। साथ ही साथ नींबू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत जल्दी, यानी कि अगर आप 1 डे या 2 डे भी इसे यूज करते हैं तो बहुत जल्दी आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिखने को मिल जाता है। नींबू बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गाइस अभी मेरा पूरा जो आगे का, मतलब मैंने अपनी जो आगे की स्कैल्प है उस पे अच्छे से लगा लिया है। पीछे की स्कैल्प, अपने बालों के पीछे के स्कैल्प पे लगाने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगी, तो तब तक मैं अपने पीछे के बालों पे इसे लगा के आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पूरे स्कैल्प पे इस पेस्ट को लगा दिया है, यानी कि जो मैंने ये हेयर मास्क बनाया हुआ था इसे मैंने अपने पूरे बालों पे लगा लिया है। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना मैंने अपने बालों के टिप्स से नहीं लगाने, तो मैंने बालों के टिप्स देख सकते हैं आप लोग छोड़े हुए हैं, बस मैंने स्कैल्प लगाया है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे गाइस, इसको लगाने के बाद ना मतलब सिर इतना ठंडा हो जाता है, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा ठंडा फील हो रहा है सिर और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे ही आजकल गर्मियों के दिन है और अगर हम इतना ठंडा, मतलब बहुत ही ज्यादा जिससे हमें ठंडक मिले, हमारे दिमाग को ठंडक मिले, ऐसा मास्क लगाएं तो बात ही कुछ और है। सो गाइस इस मास्क को मैं आधे घंटे के लिए अपने बालों पे ऐसे ही रहने दूंगी, मुझे इसे पूरा ड्राई नहीं करना है, सुखाना नहीं है इसे ज्यादा, क्योंकि अगर मैंने इसे ज्यादा सुखा दिया तो इसको उतारने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी इसे ट्राई किया है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसको निकालने में प्रॉब्लम तो आती ही है, आती है, बस आधे घंटे ही इसे अपने बालों पर रखना होता है, आधे घंटे में ही अपना सारा काम कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें अब ये ड्राई करना है, ये सुखाना है, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम बाल धोएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ आधे घंटे तक ही इसे अपने बालों पर लगाना है। तो चलिए आधे घंटे बाद मैं आपको मिलती हूँ, जब ये सूख जाएगा मैं अपने हेयर वॉश करने के बाद आप लोगों को मिलूंगी, ओके। सो गाइस मैं अपने बाल वॉश करके आ चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे बाल गीले हैं, मैंने ड्राई नहीं किए हैं, और आप लोग देख सकते हैं गाइस बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेरे बाल हो गए हैं। और मैं आप लोगों को अपने बालों की स्कैल्प बताती हूँ कि कितनी साफ मेरी बालों की स्कैल्प हो गई है। ओके, मैंने ये हेयर बैंड लगाया, पहले मैं इसको निकाल लूं। देखिए गाइस मैं आपको अपने बालों की स्कैल्प दिखाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हो बिल्कुल साफ हो चुकी है, एक भी डैंड्रफ मेरे बालों में नहीं है। और भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मेरी स्कैल्प जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है, देखिए, और बाल भी मेरे काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, ऐसे ही हाथ लगा के लग रहा है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और शाइनी आप लोगों को लगी रहे होंगे मेरे बालों पे, थोड़ी बहुत शाइन आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी बहुत बालों पे शाइन भी आ रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग भी एक बार इस हेयर मास्क या हेयर पैक को जरूर ट्राई करें, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट ही देता है गाइस। मैं आप लोगों को अपने बाल ड्राई करके अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अचानक से यहाँ पे बारिश आनी शुरू हो गई है और धूप भी नहीं है, और मैं आपको और मैं इसी के सामने बैठी हूँ ताकि मेरे बाल सूख जाए, मेरे पास ड्रायर नहीं है तो मैं अपने बाल सुखाने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। मे बी अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे मेरे बाल हुए हैं, बट अभी अगर मैं आपको ऐसे ही दिखाऊं तो आप लोग खुद देखिएगा इस शाइन आ चुकी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि एक ही बार ट्राई करके हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, बट अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसमें एक ही बार में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिख जाता है, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी देर पहले इतनी दिक्कत हो रही थी डैंड्रफ की और अभी देखो मेरी स्कैल्प बिल्कुल साफ है। सो मुझे काफी अच्छा लगा ये हेयर मास्क या हेयर पैक, जो भी आप बोलो, हेयर मास्क बोलो, हेयर पैक बोलो। अगर आप लोग भी अपने हेयर फॉल से परेशान हैं, आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर आपके बालों
या फिर आपके बाल काफी ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो आप लोग एक बार इस DIY नुस्खे को जरूर फॉलो करें, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट का देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।